फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है ना, वहां चादर चढ़ाने वास्ते। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और द प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हम आई हुए हैं फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में हम आपको दिखाएंगे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा, और ये सब सभी चीज़ें इसी परिसर में हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये सारी चीज़ के बारे में डिटेल हम आपको बताते हैं। दरवाजे से हम एंटर हुए, ये दरवाजा कौन सा दरवाजा है? ये अकबरी गेट है। अकबर बादशाह और अकबर की फैमिली हर फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। कहाँ पे नमाज पढ़ने के? दरगाह सामने। सामने वो क्या है? वो सामने दरगाह है, ये क्या है? ये दरगाह है, वो जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में पढ़ने के लिए आया करते थे। ठीक है, और ये दरगाह अभी बनी है, ये किसकी दरगाह है? ये अकबर के गुरु की दरगाह है, उनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह। वो दरवाजा जो जा रहा है वो दरवाजा क्या है? वो अनार कली का सुरंग, उधर उधर सुरंग है, अभी बंद है कि चालू है? बंद है। बंद। और ये इनके पोते का मजार है, इनका नाम है नवाब इस्लाम का। अच्छा, वो और ये सब वो बना है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद उसमें अंदर जाना है? जा सकते हैं। चलिए आप, चलिए आप। क्या सर? ये तो बाबा के चेले का मजार। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में बना था कि पहले ही बना था? क्या सर? हाल फिलहाल में बना, पहले बना। ये बता रहे ये जामा मस्जिद है। मैं इधर ही, रुक जाओ, नमाज हो रहा है अंदर। नमाज हो रही है। तो ये जामा मस्जिद किसने बनाई थी? कैसा? अकबर बादशाह ने बनवाया। अच्छा, अकबर बादशाह ने बनवाई थी। और ये साइड, ये सामने वाला गेट है? हाँ, ये मेन गेट है, बुलंद दरवाजा। बुलंद के माने ऊंचा, दरवाजा माने गेट। ये बुलंद दरवाजा जब अकबर जीत के आए थे गुजरात से, तब ये बनवाया था, वही बुलंद दरवाजा है ये। हाँ सर। ये और ये साइड में ऐसी बनी है, ये कमरे है 84। ये सारे कमरे? हाँ, मंदिर सब पढ़ते हैं आज भी। दरगाह ही है ये मेन दरगाह, और ये जामा मस्जिद है पूरा। बस इधर में यही है जामा मस्जिद, दरगाह भाई, दरगाह। और ये अब इधर चलेंगे बाबा जी का दरगाह। दरगाह पहले अपना हाथ धोएंगे। यहाँ लोग जाते ना सर, कोई रुपया नहीं चढ़ाते, कोई रसीद नहीं काटते, सोने चांदी का दान नहीं मांगते। यहाँ लोग जाते हैं अपने नाम से, अपनी फैमिली का नाम लेकर चढ़ाते हैं कपड़े का चादर, उसके ऊपर डालते हैं फूल, तीन साइड में जाने मन्नत करते हैं। जो भी मन्नत करते हैं आज भी 100% हुए। I'm not
मन्नत पूर होता है और हमारे यहाँ सर चादर चलती है ना जा हमारे यहाँ सर चादर चलती है ना गरीब लोगों में बढ़ती है। अच्छा वो चादर और इस दर से सर जो दरगाह का काम कौन देखता होगा? बाबा के खादिम लोग हैं आज भी जिंदा है आज भी जिंदा वो लोग देखते हैं। देखिए सर ऐसे लोग लेके जाते हैं ना ब्लैक पंडित में दरगाह के लिए ऐसे सभी लोग चढ़ाते हैं ये। और धागा कौन सा बता रहे थे? वो बताएंगे आपको फिर चले इधर आए। माइक ये क्या बना हुआ है? ये कवर है बाबा जी के फैमिली लोगों को फैमिली लोगों की है। हाँ ये तुम सुरंग बता रहे थे वो कहाँ है? वो पीछे है बैक साइड इसके बैक साइड है। हाँ और इसमें सब क्या है? कवर है कवर है कवर की फैमिली की लोगों की सब की है अंदर हाँ। तक उधर क्या कोई सुरंग के लिए कहाँ बता रहे थे? अरे माने जाते हैं भाई साहब कवर हो पे गुना पड़ेगा तुम पे उधर नहीं जाते बना रहा है वीडियो। ये कौन सी हवा आती है यहाँ पे? इधर आओ देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है इस चीज से हवा आती है तुम्हें मालूम था? ये पत्थर का एसी है बिना लाइट का। अकबर की तीन रानी थी तीनों रानी बैठ के हवा खाएगा। अच्छा बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ से पत्थर से बहुत ठंडी हवा आ रही। आपने मुगल आजम फिल्म देखा ना? हाँ। अनारकली को चुनवाया इसी में चुनवाया ये वही सुरंग है वही है चुनवाया नहीं गया निकाला गया था निकाल दिया गया था भाई। हाँ ये वही सुरंग हो जाती है अनारकली वाली। हाँ तुम गए अंदर इसके? अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं बुलंद दरवाजा देखने के लिए। जो आप ये दरवाजा बुलंद दरवाजा है हम आपको दिखाएंगे बाहर से जो मेन एंट्री है बुलंद दरवाजे की कैसी है। चलिए फिर देखते हैं बाहर से क्या। ये बाहर से बुलंद दरवाजा है इसमें अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए ये लगाए हैं। अभी बाहर से आप देखिए ये पूरा बुलंद दरवाजा जो कि एंट्री होती है मैंने अंदर से भी दिखा दिया और ये बाहर से बुलंद दरवाजा रहा। फ्रेंड्स मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा तो ये सारी चीज़ें देख ली। अब कंप्लीट ब्लॉग हो गया हम लोगों का हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलिए ये ब्लॉग है पूरा कंप्लीट। थैंक यू बहुत प्यार दीजिए इस ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए।